तो कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ हाँ, अच्छे ही होंगे। वैसे जानते हो ना, अभी एक त्योहार आने वाला है। त्योहार? कौन सा त्योहार? अरे, देश का त्योहार। देश का त्योहार? कौन सा त्योहार? देश का त्योहार मतलब चुनाव। अच्छा, चुनाव। जानते हो ना कितनी तारीख को है? चलो, तारीख तो तुम्हें पता है, पर उसके लिए कुछ तैयारी किए हो? तैयारी? कैसी तैयारी? अरे, मैं बताता हूँ कैसी तैयारी। मैं इस देश का एक जागरूक नागरिक और इस गांव का एक पढ़ा लिखा नवयुवक आप सभी को लेके चलता हूँ मेरे गांव में, जहाँ हम जानेंगे चुनाव से जुड़ी कुछ समस्याएं और उनके निवारण। तो चलते हैं मेरे गाँव में। अरे काकी, मंगलू, लखन, इधर आओ सब। अरे काकी, इसकी चिंता क्यों करती हो? तुम और तुम्हारे जैसे जितने बुजुर्ग हैं, उनके लिए पोलिंग बूथ पर व्हील चेयर का इंतजाम किया गया है। तुम्हें उसमें आराम से बैठाया जाएगा और वोट डलवाया जाएगा। पिछले हफ्ते को यार ऐसे ही बड़ा। अरे काकी, वो BLO होगा, उसने 12D फॉर्म के बारे में कुछ कहा था क्या? कुछ कहो तो था, पर मन ने ना याद। अरे काकी, 12D फॉर्म भर दी होती तो घर बैठे वोट डाल सकती थी। करने के मैं इतनी बूढ़ी लग रही हूँ, जा रहूँ मैं अपने घुटनों से। हाँ हाँ, चले जाना, खुद ही चले जाना। अभी उधर जाओ वरना तुम्हारे घुटनों में फिर दर्द शुरू हो जाएगा। आ जाता है ज्ञान मखार में, जब देखो तब हुआ राजू। अरे मंगलू, कैसा है? ठीक हूँ भैया, आप बताओ कैसे? हम भी बढ़िया है। क्या बता रहे थे दादी को? अरे मैं ये कह रहा था, वोट डालने तो जा रहा है ना इस बार? अरे नहीं भैया, पिछली बार गया था तो दर्द बहुत हो गया था पैर में। अरे तू इसकी क्यों चिंता करता है? तुम और तुम्हारे जैसे जितने दिव्यांगजन हैं, उनके लिए पोलिंग बूथ पर व्हील चेयर का इंतजाम किया गया है। तुम्हें उसमें आराम से बैठाया जाएगा और वोट डलवाया जाएगा। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन धूप का क्या करूँ मैं? अरे तू उसकी भी चिंता मत कर, पोलिंग बूथ पर टेंट और पानी सबकी व्यवस्था है, ताकि कोई किसी को भी धूप और प्यास से परेशानी ना हो। अच्छा तुम कह रहे हो तो जाऊंगा भैया। ठीक है, चले जाना। अरे लखन भैया, कैसा बा? बढ़िया भैया, आप कैसे बा? हम भी मजा मा। और मैं ये कह रहा था, वोट डालने तो जा रहे हो ना? अरे भैया, घर का काम बहुत है, खेती बाड़ी भी देखनी है। अरे खेती किसानी तो रोज का काम है लखन भैया, वोट थोड़ी ना रोज रोज डालने जाते हैं। ठीक है भैया, चले जाएंगे। वहाँ पे कुछ वो भी है क्या? क्या मतलब क्या है आपका? अरे भैया, आप कसावा जी जाते हैं। अरे लखन भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो? आप ये बताओ, वोट डाल के हम किसे चुनते हैं? हमारे जनप्रतिनिधि को, जो आने वाले 5 सालों के लिए हमारे देश और हमारे लिए काम करते हैं। अब आप ऐसे किसी लोग में आके वोट डालोगे तो हमारा देश कैसे चलेगा? ये बात तो सही है भैया आपकी भी। तो इन सब लोगों में ना पढ़ के अपनी स्वेच्छा से उसे वोट देना जो हमारे देश और हमारे अच्छे के लिए काम करे। ठीक है भैया, हम चले जाएंगे। ठीक है, बा राजू भैया, बा सामने काकी की समस्या हल कर दे, सामने मंगू की समस्या हल कर दे, और मेरे का हो मेरी तो लड़की है ना, एक कौन सा भाल है। मम्मी मम्मी भूख लगी है, खाना तो रुक जा बेटा, चाचा बात करने के बाद अब भी खाना दे। नहीं नहीं अभी तो अभी। हाँ भाभी, क्या कह रही थी तुम? अरे भैया का बताऊँ, नवरात्रि आ रही है, जवारे बोलो है, पोताई लिपाई भी करने हैं, ऊपर से मेरे जी को इतो सारे काम पड़ो है भैया, का बताओ, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। अरे भाभी, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अभी लखन भैया को भी यही बात समझाया मैं, ये घरवार के काम तो रोज के काम है, चलते रहेंगे, वोट थोड़ी ना रोज रोज डालने जाते हैं। अरे पर भैया, मेरी को जो लड़की को स्कूल भी तो छोड़न जान पड़ा था ना। अरे उसकी भी चिंता ना करो भाभी, मतदान के दिन कॉलेज और स्कूलों सबकी छुट्टी रहती है, ताकि हर कोई वोट डालने जा सके। अच्छा तू इसको कह रहा है तो आप जाऊंगी। चले ही जाना। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये सब तो वोट डालने के लिए तैयार है, और आपका क्या? हम सभी को ये ठानना है 19 अप्रैल को वोट डालने सभी को जाना है,
ताकि हमारे छिंदवाड़ा में हमें 100% मतदान से कोई ना रोक सके। और इसलिए तो मैं कहता हूँ, सबको हम वोट डालने जाएंगे, हम वोट डालने जाएंगे, हम वोट डालने जाएंगे। धन्यवाद।